अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में आप सबका। आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरे सामने आपके सामने एक नया रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ मेरे शुभरात के टाइम का। देखिए सवेरे कदर में हलवा बनता है हम लोग घर में। आज मेरे चना दाल का हलवा बनाना है। ये देखिए मेरे चना दाल को भिगो के 115-120 को रखा था। करीबन मैंने आधा के जी का लगभग मैं लिया है। और ये देखिए मैंने आधा के जी लगभग मैंने दूध भी लिया है। मेरे दूध को अच्छी तरीके से मैंने उसको फुटा लिया है। अब मैं इसे दाल को ऐड करूँगी। मैं सबसे अलग तरीक़ा से बता रही हूँ आपको। हाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे डाल दिया है। अब मैं इसमें देसी घी भी डालने वाली हूँ। अगर आप देसी घी इसमें अगर आप कुछ नहीं डालेंगे, आप चाहें तो रिफाइन ऑयल भी डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ इसलिए फ्रेंड, अगर इसमें आप नहीं डालेंगे तो आपका ये दूध है पूरा, ये पूरा आपको फेंक देगा। देखिए मैंने करीबन एक चम्मच के लगभग में लिया है। अभी और इसमें लगेगा। अब इसको बॉयल होने के लिए आप 5-6 सीटी में उसको उतार दीजिएगा। हाँ देखिए फ्रेंड, में जो डाला था दूध, देखिए पूरा अच्छी तरीके से पूरा सूख चुका है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से गल भी गया है। अब इसको हल्के आँच में इसको अच्छे से स्क्रब करके इसको भूनिए अच्छी तरीके से। हाँ देखिए मैंने इसको पतीला में डाल लिया है। और अब किसे क्या करें फ्रेंड, अब इसे कलछुल के सहायता से अब इसको ऐसे से करके अब इसको पूरा जो भी इसका दाना खड़ा होगा वो सब मिला लीजिए आप। हाँ फ्रेंड देखिए, मैं इसमें एक पैकेट अमूलिया डाल रही हूँ पाउडर लगे। इसको मिला लेना है। हाँ फ्रेंड देखिए, मैंने इसमें रिफाइन ऑयल भी मैंने इसमें डाला है। आपने हिसाब से आप इस बात को भी आप डाल सकते हैं घी भी। हाँ फ्रेंड देखिए, आपको अच्छी तरीके से आपको हलवे को भूनना है फ्रेंड। जितना भूनेगा उतना अच्छा टेस्टी हलवा बनेगा। देखिए मैंने इसमें घी इस्तेमाल किया था, उसके बीच में इसमें थोड़ा रिफाइन ऑयल भी इसमें डाला है। जितना फिर रिफाइन ऑयल और घी जितना अच्छा दीजिए आपको हलवा उतना ही टेस्टी बनेगा फ्रेंड। हाँ फ्रेंड्स देखिए, मैंने लिया है वॉलनट लिया है मैंने, और ये मैंने आलमंड्स लिया है, ये मैंने नारियल का देखिए सब काट के मैंने रखा है। करीब मैंने एक कटोरा का लगभग लिया। मैं सबको इसको ग्राइंड कर लूँगी, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हलवा में। करीब मैंने सबको रख लिया है। हाँ फ्रेंड देखिए, मेरे हलवा में देखिए उसका तेल अब छोड़ रहा है। मैं अब इसमें चीनी मैंने लिया है एक कटोरा का लगभग। आप जितना मीठा खाता है उस हिसाब से आप चीनी इसमें ऐड करिएगा। मैंने इसे 2 कटोरा लिया था चना दाल, उस हिसाब से मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको मिला देना है। हाँ देखिए फ्रेंड, मैंने ड्राई फ्रूट को पीस के इसमें डाल दिया है। इसको इसको आप खूब इसको भूनना है आपको इसमें हलवा के साथ ही इसको। हाँ फ्रेंड देखिए, हलवा को भूनते हुए इसका कलर कितना चेंज हो गया है, बिल्कुल ब्राउन कलर में इसका चेंजिंग आ रहा है। ये हलवा बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड, और मैंने बिल्कुल आपको अलग तरीके से बताया। अब एक बार जरूर ट्राई करें अपने घर में आप मेरे तरीके से। हाँ फ्रेंड देखिए, हलवा पूरा अच्छी ये भून चुका है। देखिए तेल भी इसको छोड़ चुका है। ये हलवा बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा करिए तो भूनिए फ्रेंड, भूनने से जितना भूनिए इसका उसका स्वाद उतना ही और आपका ज़्यादा आएगा इसमें। ये बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड, जो एक बार ट्राई करें आप चना दाल का हलवा, वो भी मेरे तरीके से।